नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में वेदांता स्टॉक को डिस्कस करेंगे वेदांता में एक न्यूज़ हमने 2400 करोड़ के फंड रेज को लेकर के जेपी मॉर्गेन को कहा था इसकी न्यूज हमने कल डिस्कस करा आज देखेंगे तो नियर अराउंड फोर थाउजेंड करोड़ कंपनी ने पीएफसी के थ्रू फंडरेज करा है तो इसके इम्पैक्ट और आगे के ट्रेंड को समझे से पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ देखेंगे

Uh, अंदर से मीनाक्षी एनर्जी के अक्वायर की बात की जा रही है यहाँ देखेंगे माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट वेदांता है सिक्योर्ड ईयर लॉन्ग जो थ्री नाइन वन एट करोड़ का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से द फाइनेंशियल क्लोजर विल इनेबल वेदांता टू एक्सपेडाइट कंपटीशन ऑफ इट्स पावर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट में खुद के एक्सपेंशन को लेकर के ये फंड रेज करे गए हैं ग्रुप प्लान टू इंक्रीज द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ इट्स पावर बिजनेस पावर बिजनेस के ऑपरेशनल प्लान जो है उसके कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर के थ्री नाइन वन एट करोड़ के फंड रेज किए गए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि फोर पॉइंट एट गीगा ट्वेंटी सेवन तक पावर कैपेसिटी कंपनी कर लेगी द लेटेस्ट फाइनेंसिंग वेदांता ग्रुप ये सभी कॉमन न्यूज देखने को मिल रहा है यहाँ देखेंगे Vedanta has acquired two मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड इन आंध्र प्रदेश गीगावाट और इसके अलावे स्टॉक के जो टेक्निकल ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसने हेवली बाजार को अंडर परफॉर्म करा अपने सेक्टर को अंडर परफॉर्म करा डिलीवरी बेटर दिख रही है अब आज का वॉल्यूम लगभग थ्री करोड़ के आसपास का चार्ट को देखें जब इसने इस कंसोलिडेट को ब्रेकआउट करा हर सेलिंग जो है बायर डोमिनेंट दिख रहा है और एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ओपन करूं इस समय हमने क्या कहा ये एक सपोर्ट होगा लगभग 340 344 और बात करें ऊपर के टारगेट का तो इजली इजली ये वाला जो लेवल है 420 440 और मैक्सिमम 600 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जब तक ये लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करे हम बड़े डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं स्लो एंड स्टेडी स्टॉक अपर साइड ट्रेड